मेक्सिको की दीवार कूदने के बाद क्या होता है? दीवार कूदने से लेके ग्रीन कार्ड मिलने तक का सफर। यदि आप केस हार जाते हैं तो उसमें आपके साथ क्या होता है? आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूएसए जो डोंकी लगा के जाते हैं उनके साथ क्या होता है, यानी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद क्या होता है, यानी जब आप दीवार कूद जाएंगे उसके बाद आपके साथ क्या होगा? पुलिस पकड़ेगी, रिपोर्ट करेगी, वहाँ की जो आर्मी है, बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस है, वो आपके साथ कैसा बिहेव करती है, आपको कितने दिन जेल में रखेगी? ठीक, आपको फिर केस आपको कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है, अगर आप हार जाते हैं तो फिर आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है? आज ये सब आपको बताने वाला हूँ, यानी ग्रीन कार्ड लेने तक का पूरा सफ़र। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो या 18 वर्ष से ज़्यादा है तो आपके साथ जेल में क्या क्या होने वाला है, और आप अमेरिका जाने के बाद इंडिया कब आएंगे, इंडिया आने का तरीका क्या होने वाला है, यानी किस तरीके से आप आने वाले हैं इंडिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, यानी आप अगर फॉरेन में सेटल होने चाहते हैं, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, तो इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। जब आप दीवार कूद जाते हैं तो उसके कुछ समय बाद ही बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस आती है, फिर वो आपको आपके घुटने के बल बैठा के आपके कपड़े छोड़ के बाकी सब कुछ आपसे छीन लेती है, फिर वो आपको चौकी लेके जाएंगे, चौकी ले आके आपको दीवार की तरफ खड़ा करके आपका हाथ ऊपर कर देंगे। हाथ ऊपर खड़ा करने के बाद फिर से वो आपसे आपकी दोबारा से चेक इन करते हैं, फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप किस धर्म के, सबसे पहला क्वेश्चन आप वही होता है उनका कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका नाम, और फिर आप अमेरिका में ही क्यों आए और कहीं क्यों नहीं गए, यानी कि आप यूएसए में ही क्यों आए और कहीं किसी और देश में क्यों नहीं गए। ये सारे बयान लेने के बाद आपसे उस पेपर पे सिग्नेचर करा के फिर वो रख लेंगे। उसके बाद अमेरिकन पुलिस आपका फिंगर स्कैन करके आपका पूरा बायोडाटा जो है अपने साइट पर छोड़ देती है, ताकि आपका ये नाम है, फलाना नाम है, आप फलाना जगह से, यानी यहाँ से आए हैं, और आपका जो भी आपने जो बयान दिया होगा वो सब कुछ अपलोड कर दिया जाएगा आपके नाम पे, यानी आपका फिंगर स्कैन करने के बाद। जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड डालते ही हमारे बाप का नाम, हमारा पूरा एड्रेस आ जाता है, वैसे ही सब कुछ वहाँ पे होने वाला है कि आपका, यानी किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, वो जो जो आपने बोला होगा बयान में वो सब कुछ अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको इंतजार करना है कैदी बनने का, यानी कि आपने डिटेंसी का। इसमें आपको 4 दिन भी लग सकते हैं और 4 महीने भी लग सकते हैं, यानी कि 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीना, 4 महीने, यानी कि इतना मैक्सिमम लग जाता है डिटेंसी का। फिर आपको ये देखना है ना आपका किस डिटेंसी में आपका नाम आता है, तब तक आपको चौकी में ही रहना है, और जैसे ही आपका नाम आ जाएगा फिर आपको कैदियों वाली ड्रेस मिल जाएगी, मिलेगी वो हमारे, यानी आपके पूरे सर का, आपके हाथ का, आपके पूरे पैरों का एक्सरे कर लेते हैं। उसके बाद जो आपने कपड़े पहने हुए हैं ना वो भी छीन लिए जाएंगे। उसके बाद आपको सीधे आपको एक ऑरेंज या ब्लू कलर की ड्रेस मिल जाएगी कैदियों वाली, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कैदियों के होते हैं ना ब्लैक धारी वाली ड्रेस, वैसे नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे ऑरेंज या ब्लू कलर की मिलती है। फिर आपको कैदी बना के जेल में बंद कर दिया जाएगा। फिर इंतजार करना है अपने बारी का। आई कार्ड दे दिया जाता है, उस आई कार्ड में ना पूरी डिटेल होती है, जैसे आपका अपने आपका केस किस लेवल पे चल रहा है वो सब आप उसमें देख सकते हैं, और उसके बाद जो उसी कार्ड से ना अपने घर से पैसे भी मंगवा सकते हैं, यानी कि वो ऑल इन वन, जैसे हमारे आधार कार्ड। और उस जेल के अंदर खूब ठंडी ठंडी हवा चलती है, वहाँ पे केवल वहाँ पे कोई काम ही नहीं होता, बस आपका एक ही काम होता है, सोना और जागना, इसके सिवा आपको कोई काम नहीं होता है। ब्रेकफास्ट में आपको दलिया मिलेगा और एक छोटा सा ब्रेड दे दिया जाएगा, और लंच में आपको मिलेगा राजमा चावल, और वो भी उगला हुआ जिसमें कोई टेस्ट नहीं, ना ना मिर्च का, ना नमक का पता, और मिलेगी शाम को सोयाबीन, रात में सोयाबीन मिलेगी, मिलेगा सब कुछ, पर कोई टेस्ट नहीं और ना ही कुछ, खाली उगला हुआ ही मिलेगा जो भी मिलेगा। आपको तब तक इस जेल में रहना है जब तक आपको जमानत नहीं मिलेगी, और आपको केस लड़ने कहीं और नहीं जाना, जो आपका अपना शरणार्थी वाला केस लड़ना है ना, शरणार्थी वाला, वो आपको इसी जेल के अंदर ही लड़ना है, जो आपका कोर्ट है वो इसी जेल के अंदर होने वाला है, और आपकी जो तारीख है ना, आपको तारीख भुगतने कहीं और नहीं जाना, अपने जेल के अंदर ही भुगतनी है अपनी तारीख, और वहाँ पर आपका सामना होगा सीधे अजाइलम ऑफिसर से, ठीक, वो आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे, आप अमेरिका में क्यों आए, और आपके गवर्नमेंट ने आपको आपको सपोर्ट क्यों नहीं किया, आपकी पुलिस ने आपको हेल्प क्यों नहीं किया, आपको क्यों, आपके जान का खतरा था, और आप अमेरिका में ही क्यों आए और किसी देश में क्यों नहीं गए, वो बहुत सारे सवाल पूछेंगे आपसे, यानी आपको पूरा। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप जो आपने जो बोल दिया है ना वो पूरा नोट करते हैं वो पेपर पर, फिर लास्ट में आपसे सिग्नेचर भी ले लेंगे, तो अगर आप अपने बयान से बदलेंगे तो आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। और जब आपकी जान को खतरा था तो आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी पुलिस ने कोई आपको हेल्प नहीं की, और आप अमेरिका में ही क्यों आए, यूएसए में ही क्यों आए, कहीं और भी तो जा सकते थे। आपकी सुनवाई होगी ना तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाता है, उसमें आप पास हुए, आपने कौन कौन से सवालों के जवाब दिए, आपने क्या आपसे पूछा गया, आपने क्या आंसर दिया, वो सब उसमें होता है। और उसके साथ साथ ना एक चीज़ और है कि आप पास हुए या फिर आपको फेल कर दिया गया है, यानी अजाइलम ऑफिसर ने, वो भी तक उसी में होता है। अगर जो कर दिया आपको पास तो फिर आपको मिल गई जमानत, फिर अपना बॉन्ड भरो और बाहर आके एक लॉयर हायर करके
आप फिर अपना केस लड़ सकते हैं। और यदि कर दिया आपको फेल, और जब आप फेल हो जाते हैं तो फिर से आपको 3-4 दिन के अंदर आपको जज के सामने पेश होने का मौका मिलेगा। और जब आप जज के सामने चले जाएंगे ना, तो अगर उसने कर दिया पास है, फिर से आपसे वही क्वेश्चन करेगा वो। अगर आपको जज ने कर दिया पास, तो फिर तो आपको सेम वही करना है, बॉन्ड भरना है, और एक आपको जमानत मिल जाएगी। आपको जमानत मिल गई, फिर सीधे बॉन्ड भरो, बाहर चले जाओ, अपना एक लॉयर हायर करो, अपना केस शरारती वाला लड़ते रहो। और अगर उसने भी फेल कर दिया ना, जज ने भी, तो फिर आपको मिलेगा BAA जाने का मौका। और मैं आपको अभी बताना भूल गया, जो एजलम ऑफिसर होता है ना, वो आपसे पूरा पूछेगा कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, कहाँ पढ़ते थे, आपके इस घर के बारे में, यानी आपके स्कूल बारे में कोई टावर था, कुछ था। जज ने पास कर दिया तो फिर तो आपको पता ही, आपको बॉन्ड भरना निकल जाना है। और जे कर दिया जज ने आपको फेल, तो फिर आपको मिलेगा BIA का ऑप्शन, यानी हाई कोर्ट। फिर वहाँ पर आपको जाना है, फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको फिर से वही क्वेश्चन होंगे, फिर आपसे वही सवाल जवाब पड़ेंगे आप पे। और फिर आप अगर वहाँ से भी फेल हो जाते हैं, तो फिर आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है? बहुत सोचने वाली बात है ना। तो ये है कि देखो, उसके बाद आपको और केवल एक ही ऑप्शन बचता है, सर्किट कोर्ट। अगर आप वहाँ पे भी वहाँ से फेल हो गए, फिर आपको सर्किट कोर्ट जाना है। अगर वहाँ पे पास हो गए, तो फिर से आपको निकलना है बाहर। और बाहर निकलने के बाद आप लास्ट में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, सर्किट कोर्ट। अगर सर्किट कोर्ट ने आपको फेल कर दिया, तो फिर तो आप डिपोर्ट हो जाएंगे। अगर कर दिया पास, वैसे इतना रेयर केस में होता नहीं है कि आपको सर्किट कोर्ट तक जाना पड़े, लोग पहले ही पास हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसी गलती मत कीजिएगा कि फेल होने का ऑप्शन आए आपके पास। अगर आपको पास कर दिया, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर अपना बॉन्ड भरना है और अपना बाहर से रह के शरणार्थी वाला केस लड़ना है। अपना एरियल नंबर, अपने जो आपने डोंकर लगाया था, उसको दीजिए, और फिर वो आपका बॉन्ड भर देगा। ठीक है, और जब आपको कोर्ट पास कर देता है ना, तो फिर आपको बाहर आके अपना वकील ढूंढना है, और फिर आपको अपना केस लड़ना है, शरणार्थी वाला अपना केस लड़ना है। और एक बात हमेशा याद रखना, आपकी जो तारीख पड़ती है ना, चाहे किसी भी दिन पड़े, चाहे जो भी डेट मिली है आपको, वो डेट आपको भुगतनी है। अगर आप उस दिन नहीं पहुँचते ना, तो अमेरिका की पुलिस, आप जहाँ भी होंगे, आपको कहीं से भी उठा के ला के सीधे जेल में कर देगी बंद। और आप अगर एक बार हो गया बंद, तो समझो अंदर से केस लड़ना बहुत भारी पड़ जाता है। और वैसे भी देखो, आपको इतने 3-4 कोर्टों में जाना पड़ता है, 3-4 जगह, वो उसमें कम से कम 10-12 साल, 15 साल बीत जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि इसने फेल कर दिया तो मैं अब चला गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता। भाई 10-15 साल में आप बहुत पैसा कमा लेंगे, इसलिए उससे कोई निराश होने वाली बात नहीं है। और फिर बाहर आने के बाद ना, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना खाता खुलवाना है, फिर अपने, यानी कि 6 महीने बाद आपको, फिर जैसे ही आपका केस के 6 महीने बीत जाएंगे, तो फिर अपने आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके वर्क परमिट जैसे अप्लाई हो जाता है, उसके 11 से 20 दिन के अंदर आपका वर्क परमिट आ जाता है। उसके साथ साथ अपना DL वगैरह, फिर अपना खाता होता, सब खुलवा सकते हैं। जैसे ही सब कुछ अपना अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर आपको कुछ टाइम बाद आपको जॉब भी मिल जाती है ढूंढने पे। ठीक है, ऐसा नहीं, ज़्यादा टफ काम नहीं है जॉब भी ढूंढना। वहाँ पे आप खाली आपको अपने कैसे भी जेल से बाहर निकलना है। ठीक है, अपने इसलिए अपने बयान को नहीं बदलना है। ये तो थी 18 साल से प्लस वालों की बात, यानी कि जो 18 साल से ऊपर के हैं। और जो माइनर में जाते हैं, जो 18 साल से कम होते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनके साथ भी देखो सेम होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे हमारे साथ बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, उनके साथ नहीं होते हैं। ठीक, और दूसरी चीज़, उनको स्कूल भी भेजा जाता है, पढ़ाया भी जाता है, उनको घुमाया भी जाता है, उनको कुछ खाने का मन है ना, तो खिलाया भी जाता है। ठीक, और रहना उनने भी जेल में है, लेकिन वो माइनर वाले जेल में रहते हैं, इसलिए उनके साथ ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है। और वो पास ही हो जाते हैं, उनका कोई वो नहीं है कि उनको डिपोर्ट कर देंगे, नहीं, उनका सब कुछ सही चलता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जो 18 साल से ऊपर होते हैं, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। आपको नर्वस नहीं होना है, हेजिटेट नहीं होना है कि यार ये क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। आपका डोंकर आपको सब कुछ समझा देता है। और एक क्वेश्चन ना, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है, कि हम अगर एक बार डोंकी लगा के अगर USA चले गए, ठीक, तो फिर हम इंडिया कैसे वापस आ सकते हैं? तो अगर आप डोंकी लगा के जा रहे हैं, जब तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिला, तब तक तो आपको इंडिया का इमिग्रेशन आपके पासपोर्ट पे, आपके जो भी जिस तरीके से आ रहे हो, उस पे इंडिया का इमिग्रेशन का स्टैम्प तो लगना ही नहीं चाहिए। नहीं, और वो लग गया ना एक बार, आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, तो आप वापस जा ही नहीं सकते, चाहे कुछ कर लो। ठीक, तो इसलिए आपको क्या करना है ना, कि आपको सीधे नेपाल का लगाना है। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, नेपाल के लिए आइए, नेपाल आइए, नेपाल से टैक्सी लीजिए और सीधे इंडिया चले आइए। फिर आपने, आपको पता है यहाँ पे हमारे बॉर्डर पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं, बिना पासपोर्ट के आना जाना होता है। तो आप घूमने के तौर पर आ सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेके यहाँ पे आ सकते हैं। नेपाल आने के बाद ऐसा नहीं कि आप नेपाल से इंडिया है, फिर आप इंडिया से डायरेक्ट वहाँ के लिए फ़्लाइट करना है, ऐसा भी नहीं करना है। आपको वापस नेपाल जाना है, आप फिर आपको नेपाल से अपनी फ़्लाइट लेके उधर के लिए जाना है, USA के लिए। ठीक है, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीज़ा से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, आपको अगर फॉरन में सेटल होना है, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि उससे रिलेटेड वीडियो ही आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय